दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वोल्टास बैको के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की, जिसका कलर ब्लू कलर के अंदर रहने वाला दोस्तों, और मॉडल रहेगा सर दोस्तों इसका RDC 245। स्टार रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जैसे कि अब अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी लुकिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है दोस्तों। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग देखते हैं तो इसका ब्लू कलर के अंदर आ जाएगा, डेलिया ब्लू कलर के अंदर आ जाएगा, प्रिंटेड कलर है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कम्प्लीटली। वैसे कंपनी पूरा पैक करके भेजती है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सेफ्टी के साथ ओपन करें। साइड में पे टेपिंग भी होती है, इजीली आप उसे निकाल भी सकते हो दोस्तों, खुद ही आपको आप इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लुकिंग देखते हैं तो लुकिंग भी काफ़ी बढ़िया है इस प्रोडक्ट की। स्टार रेटिंग इसके अंदर 3 मिल जाएगी। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहने वाला है दोस्तों। कंप्लीट 2 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये आ जाएगा वोल्टास बैको कंपनी का, ये टाटा का प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, जिसकी अभी हमने अनबॉक्सिंग करी है। ये सिंगल डोर के अंदर रेफ्रिजरेटर आ जाएगा दोस्तों, कैपेसिटी काफी अच्छी रहेगी दोस्तों। चलिए इसके मॉडल की स्टार रेटिंग हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो कैपेसिटी आ जाएगी 225 लीटर की इसकी कैपेसिटी मिल जाएगी दोस्तों, और ये 3 स्टार रेटिंग के अंदर रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये पूरे साल के अंदर 160 यूनिट कंज्यूम करेगा दोस्तों, ये वाला रेफ्रिजरेटर। अगर हम बात करते हैं तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, कमी लिखी थी क्योंकि वैसे भी टाटा इंडियन प्रोडक्ट है और बहुत इंटायर रेंज आती है दोस्तों इनकी। साथ ही हम बात करते हैं तो इसके कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर की 10 साल की इसके अंदर वारंटी रहेगी, और आप इस रेफ्रिजरेटर को अपने होम इन्वर्टर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। पावर बहुत इसके अंदर, सभी रेफ्रिजरेटर जितनी भी कमियां उनसे एक बेटर चीज है इसके अंदर, आपको ना 2 साल की कंप्लीट वारंटी मिल जाएगी। बाकी अगर किसी भी कंपनी की अगर आप दोस्तों रेफ्रिजरेटर लेते हैं, सभी के अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको 2 साल की कंप्लीट वारंटी मिलेगी। हम बात करते हैं इसकी प्रिंटेड लुक की, तो आपको ब्लू कलर के अंदर मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया लुक है इसके अंदर। फ्लावर पेंटिंग के साथ में रहेगा, जो कि कहीं भी आप रख देंगे वहाँ के इंटीरियर से बिल्कुल ये मैच करेगा दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं इसकी हैंडल की, तो हैंडल उन्होंने काफी बड़े साइज का दे दिया दोस्तों, बड़े साइज का है तो इजीली इसका डोर ना ओपन हो जाएगा। अगर छोटा ही इसके अंदर हैंडल होगा तो बहुत ही टाइट खुलेगा इसका रेफ्रिजरेटर, तो अभी बड़ा है तो काफी अच्छा बेनिफिट रहेगा। साथ में आपको लॉक का सिस्टम भी मिल जाएगा, जो कि फ्रंट में ही रहेगा, जैसे बहुत सी कंपनी साइड में भी देते हैं, इसमें आपको फ्रंट में ही आपको लॉक भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर की लुकिंग की, इंटरनल लुक की, तो दोस्तों आइए लुकिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रीजर सेक्शन की, तो फ्रीजर सेक्शन काफी अच्छा दिया हुआ है, क्वालिटी नो डाउट क्वालिटी भी बढ़िया है इस फ्रीजर की। हम देखेंगे इसके अंदर तो साइज तो है ही हमारे काफी अच्छे, साथ में आपको तो इसके अंदर आपको आइस ट्रे भी मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि काफी बड़े साइज के अंदर आइस ट्रे भी मिल जाएंगी। साथ में हम बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, तो दोस्तों इसका टेम्परेचर में हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि आप टेम्परेचर को मिनिमम रखो, 1 से 3 के बीच में रखो, तो फ्रिज के कंप्रेसर पर कम लोड पड़ेगा और इसकी लाइफ भी अच्छी रहती है, ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़िया रहती है, आपको परेशानी नहीं आएगी कूलिंग से रिलेटेड इसके अंदर दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो चिलर सेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे हम जैसे बाहर से ब्रेड वगैरह लाते हैं या फिर हम पनीर वगैरह लाते हैं, दूध दही लाते हैं, तो इजीली आप उसे यहाँ पे भी रख सकते हैं दोस्तों। अगर हम 1-1 लीटर की हम 3-4 बॉटल रखना चाहते हैं, जैसे ठंडी पानी की बॉटल, तो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हैं दोस्तों। साथ में बात करते हैं तो इसकी जो स्लैब आ जाएंगी वो आ जाएंगी टफन ग्लास के साथ, ये टफन ग्लास के साथ रहेगी। टफन ग्लास की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है इसके अंदर दोस्तों आपको, और लुकिंग भी काफी अच्छी, जैसे पहले वायर सेल्फ आते थे तो अब टफन आते हैं, तो इसकी लुकिंग भी काफी बढ़िया होती है, ड्यूरेबिलिटी भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर आप इसे देखते हैं तो ये ना एडजस्टेबल होता है, आप इसे ना एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, जहाँ चाहे आप वहाँ भी लगा भी सकते हो। सपोज आपके यूटेंसिल्स बड़े हैं तो आप इसको निकाल के आप यहाँ लगा लो, कि यूटेंसिल्स बड़े वाला आप यहाँ पे रख लो, तो ये यूटेंसिल्स भी आप इसके अंदर बड़े रख सकते हो दोस्तों, जो कि ईजी टू यूज हो जाता है, ईजी टू कन्वीनियंस हो जाता है। साथ ही हम बात करते हैं इसमें वेजिटेबल बॉक्स की, तो वेजिटेबल बॉक्स भी बहुत ही शानदार दिया हुआ है दोस्तों। अगर हम देखते हैं इसके अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, तो एक नई ही लुकिंग के अंदर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और इसका जो कवर रहेगा वो भी इन्होंने टफन ग्लास दे दिया, जैसे सभी कंपनियां प्लास्टिक का यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी आपको टफन ग्लास का दे दिया, इसमें भी आपको ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़िया मिल जाएगी दोस्तों। इसके अंदर पफ थिकनेस काफी अच्छी दी हुई है, अगर आप देखेंगे पफ थिकनेस की हम बात इसलिए करते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि कूलिंग रिटेंशन अच्छा मिल जाता है आपको, अगर इसमें लाइट चली जाएगी तो इसमें कूलिंग मेंटेन रहेगी दोस्तों, आपको 1 से 2 दिन की कूलिंग मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसकी पफ थिकनेस काफी बढ़िया है, और आप इसके अंदर कोई भी आइटम रखेंगे तो फ्रेशनेस भी उसकी बरकरार रहेगी, वो इसलिए क्योंकि इसका फ्रीजर सेक्शन काफी बढ़िया है, काफी बड़े साइज के अंदर है, तो आप जो भी इसके अंदर आप आइटम रखेंगे उसे फ्रेश रहेगा लॉन्ग टाइम तक दोस्तों, क्योंकि कूलिंग रिटेंशन अच्छी मिल जाएगी। साथ ही हम बात करते हैं इसके डोर बीम की,
तो डोर में भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो स्पेस बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा इसके अंदर। आपके जैसे छोटे छोटे आइटम होते हैं आप इजीली यहाँ रख सकते हैं इसके अंदर। और ये मेडिसिन बॉक्स भी इसके अंदर आपको दे दिया अलग से, आप जैसे मेडिसिन वगैरह आप, तो ये बॉक्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा दोस्तों। ये साइड से मतलब पैक आता है, कंपनी पूरी पैक करके देती है इसको, ताकि ये ट्रांसपोर्ट में इधर उधर ना जाए, कुछ स्क्रैचेस वगैरह या फिर डेंट वगैरह ना आए, इसलिए कंपनी पूरी टेपिंग करके इसके अंदर आपको दोस्तों भेजती है। तो आप मेडिसिन वगैरह का बॉक्स इसमें अलग दे दिया ताकि सारी चीज़ों से मिक्स मैच ना हो, तो इसलिए पूरा कम्प्लीटली मेडिसिन बॉक्स में पैक करके देती हैं सारी कंपनियाँ। साथ ही हम देखते हैं तो दो एग ट्रे भी मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि काफ़ी दो एग ट्रे मिल जाएंगी। बहुत सी कंपनियाँ सिंगल ही देती हैं आपको, इसमें डबल वो भी मिल जाएंगी। साथ में हम देखते हैं तो डोरमैन में ना दो जगह मिल जाएंगी स्पेस, यानी कि ठंडे पानी, जैसे गर्मियों के सीजन में पानी ठंडा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है दोस्तों, तो आप बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप इसमें आप पानी भी स्टोर कर सकते हो। बॉटल्स यहाँ तीन चार आपकी बॉटल यहाँ आ जाएंगी, तीन चार नीचे आ जाएंगी, और तीन चार बॉटल आपकी यहाँ पे भी आ रही है, तो आप इजीली इसके अंदर ठंडा पानी भी स्टोर, काफ़ी अच्छे साइज के अंदर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। साथ ही हम बात करते हैं कि डिफ्रॉस्ट, जैसे एसी मेन जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं सभी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आइस जमने की प्रॉब्लम। इनका जो फ्रीजर सेक्शन होता है उसके अंदर आइस जम जाती है पूरे में, तो इसके अंदर डिफ्रॉस्ट जो हमें करना होता है ये वाला बटन आप प्रेस कर दो, 3 से 4 घंटे के अंदर आइस सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी और ड्रेन आउट हो जाएगी। जो बाहर एक ट्रे लगी हुई होती है बैक साइड में, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा, तो उसके अंदर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जाकर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिफ्रॉस्ट भी आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं इसकी रबर की, तो रबर जो रहेगी आपकी रिमूवेबल रहेगी, वॉशेबल रहेगी, आप निकाल के वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हो। जैसे पहली वाली नहीं निकलती थी, बहुत ज़्यादा टाइट होता था वो मटेरियल, तो ये एंटी बैक्टीरियल गैसकेट के साथ है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है और ये वॉशेबल होता है, जैसे गंदी हो अपने निकाल के वॉश भी कर सकते हो दोस्तों। साथ ही हम जैसे इसकी बात करते हैं तो इन्होंने एक डोर का एक और इन्होंने हैंडल दे दिया दोस्तों, दो हैंडल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, डोर वाला मिल जाएगा, तो दो हैंडल भी मिल जाएंगे, तो रेफ्रिजरेटर की लुकिंग आ जाएगी। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ ये वाला रेफ्रिजरेटर, आइए दोस्तों। दोस्तों ये कंप्रेसर आ जाएगा इसका, और जो ड्रेन आउट होकर पानी आता है वो इस वाले ट्रे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। आजकल क्या है कि कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी ला दी कि पानी जितना भी इसके अंदर स्टोर होगा कंप्रेसर की हीटिंग की वजह से सारा का सारा पानी ना उड़ जाता है, यानी कि खत्म हो जाएगा सारा का सारा इसके अंदर वाश बन के। साथ ही हम देखते हैं तो लुकिंग काफी बढ़िया दे दी है, वैसे यूगा की लैंडर कूलिंग के अंदर है, बढ़िया नहीं चल रहा है, थोड़ी बहुत हीटिंग तो करना चाहिए, भी बहुत कम करता है, अगर आप ज्यादा हीटिंग कर रहा है तब उसके साइड से बहुत ज्यादा हीट करने से थोड़ा बहुत हीट तो चलता है दोस्तों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अगर हीट, तो दोस्तों जो थोड़ी बहुत हीटिंग तो होनी चाहिए रेफ्रिजरेटर के अंदर, अगर थोड़ी बहुत होती तो यानी कि आपका फ्रिज अच्छे से काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर ज्यादा हीटिंग कर रहा है साइड से तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तभी कंपनी में कॉल बैक करा दो और एक बार चेक करा लो कि वो हीटिंग ज्यादा क्यों कर रहा है दोस्तों। तो ये आ जाएंगे रेफ्रिजरेटर की, इसके बारे में हमने बात कर ली है। रेफ्रिजरेटर की हम इसमें साथ में दोस्तों अगर इस रेफ्रिजरेटर की प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ऑफलाइन हमारी शॉप से अगर आप परचेज करते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा दोस्तों 16,500 का। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफर अवेल हो जाएगा, नो कॉस्ट ईएमआई आपकी बन जाएगी, 3 मंथ 6 मंथ की आप ईएमआई भी आप अवेल इसके अंदर आप करा सकते हैं, और 5% आपको कैशबैक भी अवेल होगा दोस्तों इसके अंदर। अगर आप नियर बाय हमारे रहते हैं तो जो हमारे शॉप का एड्रेस रहेगा, हमारी शॉप रहेगी मेयरवेल फेज 3 ईस्ट दिल्ली के दोस्तों। अगर आप हमारे नियर बाय रहते हैं तो हम ग्राउंड फ्लोर तक डिलीवरी भी हम फ्री कराते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों हम सभी रेफ्रिजरेटर के अंदर डील करते हैं, जैसे सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड, हम सभी रेफ्रिजरेटर के अंदर डील करते हैं दोस्तों। अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं और अगर आप हमारे नियर बाय रहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बाकी मेरा मोबाइल नंबर मैं डाल ही दूंगा अभी इसके अंदर, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो